हेलो गाइस, राधे कृष्णा सभी को। तो जान लेते हैं कि जो राशि के अकॉर्डिंग अगर आपकी राशि इनमें से नीचे जो मैंने स्क्रीन पे दी है, अगर इनमें से आपकी राशि कोई है तो ये वीडियो आप ही के लिए है, ठीक है। तो गाइस जान लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं तो करंट में आपको लेके क्या सोच रहे हैं और उनकी फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके, कि भाई उनके मन के अंदर क्या चीज़ें हैं जो आपको बता नहीं रहे हैं, जो वो बताना चाहते हैं और बता नहीं पा रहे हैं। तो जान लेते हैं गाइस, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्लीज़ उन्हें बताइए जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनके जो पार्टनर हैं करंट में क्या सोच रहे हैं, अभी उनके मन में क्या चल रहा है। जो फर्स्ट कार्ड आ रहा है वो नाइन ऑफ वेंड्स का आ रहा है गाइस। जो ये कार्ड ये डाउट की एनर्जी में है, उनको ये लगता है कि जो आपका कहीं मूव ऑन तो नहीं कर गया, थोड़ा बहुत उनको डाउट रहता होगा, कोई ना कोई चीज़ों को लेके आपके ऊपर डाउट रहता है। तो उनको ये लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मूव ऑन कर गए हो रिलेशनशिप के अंदर, कोई ना कोई आपकी लाइफ में आ तो नहीं गया, उनको थोड़ा बहुत ये चीज़ों को लग रहा था। एम्प्रेस तो, पर उनको ये तो पता है कि आप शायद मूव ऑन की हो, यानी कि डाउट की एनर्जी में है, पर उनको ये भी लगता है कि आप बहुत प्यारे इंसान हो, अगर आपको वो खो देंगे तो लाइफ में आपके जैसा पार्टनर कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपने जो उनको लॉयल्टी दी है, जो उनका साथ दिया है, मतलब इतना प्यार दिया है कि इनको इनकी उम्मीद से भी ज़्यादा प्यार दिया है। एक बुरे वक्त में आपने इनका हाथ थामा है और अब ये अगर ये आपको छोड़ के जाते हैं और उसके बाद आपको ये खो देते हैं, तो ये इनको ये राइजिंग होने लग गया है कि इनका सबसे बड़ा लॉस, ये ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा लॉस होता है जो वो हो जाएगा इनका, तो ये इस लॉस को चाहते नहीं है कि ये लॉस हो इनके साथ। तो और जान लेते हैं कि और क्या क्या है इनके मन में। तो और चला दड़ है भी, देखो कोई ना कोई चीज़ है इनको जो आपके पास आने से रोक रही है, कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो ये आपके पास आने से इनको रोक रही है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो या इनके पेरेंट्स हो या फ्रेंड सर्कल हो, कोई ना कोई इनकी गाइस इनकी एक लाइफ में ना एक ना कोई ना कोई पर्सन है जो आपके पास आने से इनको रोक रहा है। शायद कोई ना कोई ब्लैक मैजिक भी कर रहा होगा, हो सकता है इनके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही हो, शायद फाइनेंस की भी प्रॉब्लम चल सकती है इनके घर के अंदर। एट ऑफ पेंटिकल्स, पर ये फिर भी आपके ऊपर वर्क कराते हैं, इस रिलेशनशिप के ऊपर एक वर्क कराते हैं, वो भी बहुत बारीकी के साथ, देख सकते हो बहुत बारीकी के साथ इस रिलेशनशिप के ऊपर वो वर्क कराते हैं, इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो यहीं ख़त्म नहीं चाहते कि ये रिलेशनशिप यहीं ख़त्म हो और इससे आगे ना जाए, ये बिल्कुल भी ये नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि जो इस रिलेशनशिप को जो एक ऐसा कोना देना चाहिए जिसके बाद ये लाइफ थोड़ी सी आगे स्मूथ होती जाए, मतलब ये जो चल रही है ना चीज़ें सही हो के आगे ठीक होती जाए, इनके मन के अंदर ही चल रहा है। एट ऑफ वैंड्स, बहुत जल्दी कोई ना कोई स्टेप लेने वाले हैं आपको लेके, कोई भी स्टेप हो सकता है ये जल्दी से जल्दी आपको लेके लेने वाले हैं, और ये कभी भी ले सकते हैं आपको लेके ये स्टेप, क्योंकि इन्होंने पूरा मन बना लिया है। भले ही इनके पास आसपास जो नेगेटिव लोग हैं या नेगेटिव एनर्जीज हैं जो इनको रोक रही है आपके पास, पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स पर भगवान ने आपको दोनों को बनाया है, कुछ ना कुछ पिछले जन्म का आपका है इनके साथ रिलेशनशिप, ऐसे ही ये रिलेशनशिप नहीं बनी है, ऐसे ही आप दोनों अचानक से नहीं मिल रहे, कोई ना कोई तो रीज़न रहा है आप दोनों के एक होने के पीछे। तो वही यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, तो थोड़ा सा वेट जरूर कीजिएगा। और ये जान लेते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, आखिरकार उनके मन में ऐसा क्या है जो वो छुपा रहे हैं आपसे। द हैंगमैन, देखो आपके जो पार्टनर है वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर स्टक हो चुका हूँ, मेरे को बांध दिया गया है, कुछ ना कुछ एक दायरा सेट हो चुका है मेरा, कुछ ना कुछ उनका ना किसी ने माइंड सेट कर दिया है या फिर कोई ना कोई माइंड उनका बदल चुका है, कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके जो उन्होंने बदला है। तो वो ये बोल रहे हैं कि पर मैं इन चीज़ों को इतना बहुत मुश्किल से इन चीज़ों को साइड कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो एक बाउंडिंग थी, एक जो प्यार था, वो चीज़ों को कर रहे थे और इनके ऊपर बहुत सारा बोझ भी है, फाइनेंशियल को लेकर भी हो सकता है या इनकी फैमिली का कोई ना कोई इनके ऊपर बोझ हो सकता है, कोई ना कोई चीज़ को लेके इनके ऊपर ऐसा प्रेशर है, चाहे इनके फैमिली की तरफ से है, चाहे कहीं से भी इनके ऊपर एक प्रेशर है, चाहे फाइनेंशियल को लेके हो सकता है या फैमिली में कोई ना कोई इशू चल रहा होगा या डिस्ट्रीब्यूट चल रहा होगा, तो उनको लेके भी ये थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि मैं जल्दी से कमिटमेंट नहीं दे पा रहा हूँ, यही इसके पीछे रीज़न है। जस्टिस पर ये बोल रहे हैं कि आपने जो एफर्ट्स लगाए हैं, जो आप इनके पीछे पड़े हो, बहुत चीज़ें इनके लिए की है आपने, बहुत प्यार दिया इनको, तो ये उन चीज़ों को आपको रिटर्न में देना चाहते हैं। ये यही बोल रहे हैं कि मैं ये चीज़ें रिटर्न में आपको वापस ज़रूर दूंगा या दूंगी, क्योंकि जो आपके साथ चीज़ें गलत की गई है, जो इन्होंने इग्नोर किया है, आपको ब्लॉक किया है, और हो सकता है बहुत कुछ गलत चीज़ें आप दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप को ख़राब किया गया है, और कुछ ऐसे एनर्जी भी आ रही है आप दोनों के बीच में, कोई ना कोई ऐसा पर्सन आ गया आप दोनों की रिलेशनशिप को ख़त्म करता हुआ नज़र आ रहा था, कि जो पर अब इनका जो जस्टिस का वाला मूड आ चुका है, एक जस्टिस देना आपको ये चाहते हैं।
और जल्दी आपको जस्टिस देंगे भी सही। तो और ये भी जान लेते हैं कि ये नेक्स्ट स्टेप आखिरकार कब लेंगे यार, ये तो बहुत सुन ली कि लेंगे ये करेंगे, तो कब तक लेंगे प्लीज यूनिवर्स बता दिए आज कि कब तक ये स्टेप लेंगे। नाइट ऑफ वैंस, ओ माय गॉड, बहुत जल्दी स्टेप लेंगे क्योंकि इन्होंने पूरा मन आपकी तरफ आने के लिए बना लिया है, पर आ नहीं पा रहे थे कुछ ना कुछ रीज़न जो इनके लाइफ के अंदर चल रहे थे, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही थी इनकी लाइफ के अंदर जिसकी वजह से ये आपकी तरफ स्टेप नहीं ले पा रहे थे। तो अब ये बोल रहे हैं कि मैं जल्दी ही आपकी तरफ आने वाला हूँ, क्योंकि इनको भी अब घबराहट स्टार्ट हो चुकी है चीज़ों को लेके कि ये चीज़ें ख़राब होती जा रही है, बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। एक लिमिट थी जो आप दोनों के बीच में वो क्रॉस होती जा रही है, क्योंकि कभी ऐसा हुआ ही नहीं था कि इतने लंबे टाइम तक आप दोनों की बातचीत ना हो, तो नो कॉन्टैक्ट रही हो, इतने लंबे टाइम तक कभी हुआ नहीं है। तो ये चीज़ इनको भी नहीं खल रही है, इनको ये भी लग रहा है कि कहीं ऐसा हो तो नहीं जाता कि कहीं यार ये यही चीज़ों का अंत तो नहीं है। तो इनके अंदर भी चीज़ें घबराहट होनी स्टार्ट हो गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप भी कहीं मूव ऑन ना कर जाओ या फिर आपका कुछ कहीं और सीन ना चल पड़े। तो इनके मन में ये चीज़ों को लेके भी घबराहट स्टार्ट हो चुकी है। तो ये एक हार्ड डिसीजन लेने की के मूड में आते जा रहे हैं कि आपकी जो प्रेयर्स है इनके पास जा रही है, गौर तक इन लेके जा रहे हैं इनको, और जल्दी ही आपको लेके एक बहुत हार्ड वाला ये स्टेप लेंगे, आपको लेके बहुत हार्ड वाला कि आप भी शोक हो जाओगे कि यार ये पर्सन एकदम से अचानक से कैसे आपको लेके इतना बड़ा स्टेप ले चुका है, जो इंसान इतना बदल चुका था तो अब कैसे लेके दा मैजिशियन भाई। ये जो आपको लेके है ना बहुत सीरियस होते जा रहे हैं, जो एक टाइम पे सीरियस जो चीज़ें थी वो ख़त्म होती जा रही थी इनके मन से, कि टाइम धीरे धीरे कम देना स्टार्ट किया हुआ इन्होंने, बहुत चीज़ें कम स्टार्ट कर दी होगी, इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। तो अब ये वो सब चीज़ों को साइड में करते हुए सीधा आपके पास टपक रहे हैं, तो जल्दी ही आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, जल्दी ही आपसे बातचीत भी करेंगे, वो सब चीज़ों के ऊपर मिट्टी डालेंगे, वो सब चीज़ों को रिलेशनशिप को वापस स्टार्ट करेंगे। तो इन्होंने ये मूड पूरा का पूरा बना लिया है गाइस। तो ये थी इन राशि वालों की आज की रीडिंग, मिलते हैं फिर कल एक न्यू रीडिंग के साथ गाइस। जय माता दी सभी को, राधे कृष्णा सभी को, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।